पुणे शहर में बेड और ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों को दर बदर भटकना पड़ रहा है। ऐसे में सरकारी कोविड जंबो सेंटर में मरीजों को भर्ती कराने के लिए 1 लाख रुपए की मांग करने का मामला सामने आया है। मुफ्त बेड दिलाने के लिए 3 डॉक्टरों ने मिलकर 1 लाख रुपए की मांग की थी। पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम की एक शिकायत के आधार पर PCMC की ऑटो क्लस्टर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर बेड के लिए एक कोविड पॉजिटिव मरीज के परिजनों से 1 लाख रुपए लेने और स्वीकार करने के आरोप में 3 डॉक्टरों को आज गिरफ्तार किया गया। स्पर्श हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के डॉक्टर प्रवीण यादव के रूप में की गई है, जो ऑटो क्लस्टर सुविधा और डॉक्टर शशांक राले और पतंजा अस्पताल वालेकरवाड़ी के डॉक्टर सचिन कास्पे ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम है। PCMC के अतिरिक्त आयुक्त उल्हास जगदाम ने उनके खिलाफ पिंपरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार मरीजों को PCMC के ऑटो क्लस्टर कोविड अस्पताल में कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। डॉक्टर यादव ने अस्पताल में बिस्तर उपलब्ध कराने के लिए चिकली के एक सुरेखा अशोक बबल के रिश्तेदारों से 1 लाख रुपए के लिए मांग की थी। उन्होंने मरीजों को रेफर करने के लिए दोनों डॉक्टरों को प्रैक्टिस कट प्रैक्टिस के रूप में 20,000 रुपए दिए। बाद में इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। उनके रिश्तेदारों ने भाजपा पार्षद कुंदन गायकवाड़ और विकास रोलर्स को सूचित किया, जिन्होंने 30 अप्रैल को महापालिका के आम सभा के दौरान इस मामले को उठाया था, जिसके बाद मेयर माई डोड़े ने पुलिस में शिकायत दर्ज करने के आदेश जारी किए। पिंपरी पुलिस थाने में प्राथमिकी शिकायत दर्ज की गई और 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया। 3 डॉक्टरों को इस गंभीर अपराध के अंतर्गत हिरासत में लिया गया। तीनों ही उच्च शिक्षित डॉक्टर हैं। 2 डॉक्टर पद्मजा हॉस्पिटल वालेकरवाड़ी चिंचवड़ के हैं, जिनका नाम डॉक्टर सचिन कस्बे और डॉक्टर शशांक भारत राड़े है। इन दोनों डॉक्टरों को जब बालाजी मोरे ने संपर्क किया, क्योंकि वो महिला श्रीमती सुरेखा अशोक बावड़े 54 वर्षीय है, जब उसकी स्थिति ऑक्सीकेयर हॉस्पिटल में बिगड़ने लगी और वहाँ पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी, तो ICU बेड की तलाश शुरू हुई। और इसी क्रम में जब इन्होंने पद्मजा हॉस्पिटल के डॉक्टरों से संपर्क किया, तो उन्होंने डॉक्टर प्रवीण यादव कंसल्टेंट स्पर्श प्राइवेट लिमिटेड, जिनके माध्यम से जंबो कोविड हॉस्पिटल ऑटो क्लस्टर में चल रहा था महानगर पालिका की तरफ से, उन्होंने 1 लाख रुपए का डिमांड किया और मध्यस्थ राहुल काले के माध्यम से पैसे भी स्वीकार किए और पैसे आपस में वितरित भी किए। ये एक दृष्टांत है जो सामने आया। इसकी तफ्तीश हमने शुरू कर दी थी। इसी दरमियान महानगर पालिका आयुक्त से चर्चा के पश्चात महानगर पालिका आयुक्त ने अपने अपर आयुक्त को मिस्टर उल्लास जगताप को इस के संदर्भ में अपराध दर्ज करने के लिए हमारे पास भेजा, और ये अपराध दर्ज करके हमने 3 डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया है। उनकी 6 मई तक पुलिस हिरासत हमें मिली है, तफ्तीश जारी है कि ऐसे कितने अपराध इन्होंने और किए हैं और किस तरह से ज़रूरतमंद लोगों के परिवारों को, रोगी के परिवार को किस तरह से और लूटा गया है। कुछ और केसेस सामने आ रहे हैं, साथ ही हम ये भी पता लगा रहे हैं कि इस जंबो कोविड सेंटर में कहीं बाहर से दूसरे हॉस्पिटल का कट लेकर के इस तरह से ICU या वेंटिलेटर बेड्स तो उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त हम चूंकि एक षड्यंत्र है, इसलिए 120B और 34 भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत भी कार्रवाई कर रहे हैं। बहरहाल ये कार्रवाई जो है वो भारतीय दंड संहिता की धाराएं 384, 406 और 420 के अंतर्गत की गई हैं।
यहाँ एक बात और सामने आ रही है कि मृतक महिला के शरीर पे मृत्यु से पूर्व कुछ आभूषण थे और उन आभूषणों के नहीं होने की बात पता चल रही है। हम उनके घर वालों से फर्दर स्टेटमेंट ले रहे हैं। अगर इस बात में सत्यता पाई गई तो भारतीय दंड संहिता के धारा 404 के अंतर्गत भी इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। हम कठोर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। जनता को, आम आवाम को अगर कोई लूटने का प्रयास करता है इस गंभीर आपत्ति की परिस्थिति में, तो ऐसे संधि साधुओं को, ऐसे धोखेबाज उच्च शिक्षित डॉक्टर से लेकर के जो दूसरे लैब टेक्नीशियन से लेकर हर तरह के लोगों पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, ये संदेश देने के लिए कि इस विषम परिस्थिति में पूरा प्रशासन जनता के साथ है। मैं फिर से जारी करता हूं, मेरा नंबर है 9134424242, 9134442442, 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
या सीधे मैसेज कर सकते हैं, आपको बुलाया जाएगा अगर आप आना चाहते हैं सामने। अगर आप सामने नहीं आना चाहते हैं और तथ्य और साक्ष्य देना चाहते हैं तो तथ्य और साक्ष्य आप भेज सकते हैं, हम उसके आधार पर आगे की कार्रवाई ज़रूर करेंगे जिससे आगे किसी को लूटा ना जा सके। अगर आप सही समय पे उनको उनके विरुद्ध कंप्लेन देते हैं तो आगे की लूट थम जाएगी और परेशान लोगों को और परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राष्ट्रकवि रामधारी से दिनकर ने लिखा है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। जिन्हें भी जानकारी है इस तरह की गलत घटनाओं की, वो भी अगर कंप्लेन नहीं देते हैं तो वो भी एक तरह से अपराधी हैं, समय उनका भी अपराध लिखेगा। इस विषम परिस्थिति में आपने मानवता का साथ नहीं दिया, ये बात तरह के तमाम लूटने वाले लोगों के खिलाफ इस आपत्ति की विषम और गंभीर परिस्थिति में तमाम लोगों के खिलाफ आप जरूर कंप्लेन दीजिए, हम आपके साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीएसआरएस न्यूज, पिंपरी चिंचवड़।